चलिए 17th of May 2018 का थर्ड पार्ट है और करंट अफेयर्स की कॉपी निकाल लीजिएगा और लिखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देना बैंक के बाद अब इलाहाबाद बैंक पर भी एक शिकंजा कसा है और जोखिम वाले क्षेत्रों को ऋण और ऊंची लागतों की जमा रकम जुटाने पर बैन लगा दिया है। इसके पहले आपको याद होगा कि देना बैंक पर ये बैन लगाया गया था कि अब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन आप प्रोवाइड ना करें और आपका जो कर्मचारी हैं कर्मचारियों की नियुक्तियां भी ना करें। चलिए लिखिएगा मलेशिया ने, देखिए हाल ही में मलेशिया ने फर्जी खबरों को चलाने पर 10 वर्षों की जेल का प्रस्ताव किया था। लिखिएगा मलेशिया ने फर्जी खबरों को चलाने पर 10 वर्ष की जेल का प्रस्ताव रखा है। 10 वर्ष की जेल का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बुक आई थी रंजी एंड द म्यूजिक मेकर, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक थी। लिखिएगा रंजी एंड द म्यूजिक मेकर रस्किन बॉन्ड की पुस्तक थी। नेक्स्ट पॉइंट है, याद होगा अभी हाल फिलहाल नासा ने उबर के साथ अमेरिका के शहरों में उड़ने वाली टैक्सी की संभावनाएं तलाशने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो पूछा जा सकता है आपका कि हाल ही में नासा ने किस कंपनी के साथ ऐसा कोई भी समझौता किया है कि जहाँ पे उड़ने वाली टैक्सी की संभावनाएं तलाशी जाएं। तो आपका उबर वो कंपनी है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हुई हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2017। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2017। भारत की रैंक है 81। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा अभी 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ है तो फिलहाल हम लोग फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों में, जो क्लास की फर्स्ट पार्ट थी और क्लास की सेकंड पार्ट थी दोनों में हम लोगों ने आज डिस्कस किया है वित्त आयोग के बारे में। पॉलिटी के सेक्शन में वित्त आयोग कंप्लीट किया है, उसके बाद नेक्सस जीएस जो स्पेशल क्लास चली थी उसमें भी हम लोगों ने वित्त आयोग के बारे में डिस्कस किया है। थर्ड टाइम पे करंट पे इसका नाम क्यों आया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 15वें वित्त आयोग जो आपका वित्त आयोग है आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है, तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं एनके सिंह साहब हैं और इसके जो पूर्णकालिक सदस्य हैं अशोक लाहड़ी जी हैं, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं तो नवनियुक्त हुए हैं इसी वजह से न्यूज़ में है। इसके अलावा शशिकांत दास और अनूप सिंह आयोग के अन्य सदस्य हैं ही पहले से ही। फिलहाल 15वां वित्त आयोग जो है वो आपका 1st of April 2020 से लागू होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा 15वां प्रवासी भारतीय दिवस, उम्मीद है कि आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा। 15वां प्रवासी दिवस 21 से 23 जनवरी 2019 को, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 21 से 23 जनवरी 2019 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हाल फिलहाल WHO की एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें सबसे प्रदूषित राज्यों की सूची में कानपुर नंबर 1 पे था। और आश्चर्यजनक बात यह है कि टॉप की जो 15 की लिस्ट थी उसमें भारत के जो रैंक थी वो आपके 14 तो भारत के ही आपका सिटीज़ थी तो उनमें आपका कानपुर नंबर 1 पे आता है। तो ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है और पूरे इंटरनेशनल में छाया हुआ है, चाहे अच्छी छवि से हो या फिर बुरी छवि से लिखना बनता है। लिखिएगा WHO के सबसे प्रदूषित राज्यों की सूची में कानपुर पहले स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए हाल में ही हरियाणा सरकार ने 30 अप्रैल 2018 को नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में संपूर्ण देश में एक साथ गोबर धन योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट भी लिखिएगा हाल ही में हॉकी इंडिया ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए हरिंदर सिंह को मुख्य कोच नियुक्त किया है। लिखिएगा हॉकी इंडिया ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए हरेंद्र सिंह को मुख्य कोच नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है,
सिक्किम, सिक्किम वैसे भी हमेशा न्यूज़ में रहता है और यूपी कमीशन का तो फिलहाल फेवरेट राज्य है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन उठते ही हैं, जैसे कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1974-75 में, ठीक है। उसके अलावा सिक्किम नाथुला दर्रा के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, लेपचा जनजाति के बारे में पूछा जाता है, अभी हाल फिलहाल सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, रहमान साहब को। फिलहाल सिक्किम एक बार फिर से न्यूज़ में है तो उसका रीज़न ये था कि इसके मुख्यमंत्री जो हैं पवन चामलिंग, इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल 25 वर्षों का कार्यकाल कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, फेजे वर्या गोयमची या आपका मेढक की एक नई प्रजाति का नाम है जो गोवा में पाई गई थी। फेजे वर्या गोयमची मेढक की एक नई प्रजाति का नाम है, जो गोवा में पाई गई। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, देखिए हाल में ही आपका केंद्र सरकार ने 2018-2019 के लिए जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3700 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। वैसे उम्मीद है कि ये आपको याद होगा क्योंकि एक बार नहीं बहुत बार पढ़ाया जा चुका है आपकी क्लास में। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला हैं नबी ताजिमार, जापान की हैं और 117 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। लिखिएगा, विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला नबी ताजिमार का 117 साल की उम्र में निधन हो गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अभी हाल ही में आपका वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भारत के नागरिक जो हैं विदेशों से अपने देश में पैसा भेजने में अव्वल रहे हैं और आयोग में इस तरह से प्रश्न भी अभी तक उठते रहे हैं हमेशा से, तो लिखना तो ज़रूरी है लेकिन कई बार हम लोग लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विनिंग लाइक सचिन, मुझे लग रहा है आप लोग भूल चुके होंगे ये क्वेश्चन, वैसे पढ़ाया जा चुका है। विनिंग लाइक सचिन थिंक एंड सक्सीड पुस्तक के लेखक देवेंद्र प्रभु देसाई साहब हैं। वैसे भी आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी बहुत अच्छे से कि करंट अफेयर्स पढ़ने से ज़्यादा रिवाइज़ करना इम्पॉर्टेंट होता है और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आपको क्या पढ़ना है और एग्जैक्टली क्या छोड़ना है। एक दिन में बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं, बहुत सारी न्यूज़ें होती हैं, उनमें से आपको क्या पढ़ना है और किस चीज़ का बार बार रिविज़न करना है आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली का पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस कर रहे थे, क्लास के सेकेंड पार्ट में डिस्कस कर रहे थे आयुष्मान भारत योजना के बारे में। तो आयुष्मान भारत योजना को भीमराव अंबेडकर साहब के जन्मदिन के मौके पर 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में लॉन्च किया गया। स्वास्थ्य संबंधी योजना है ये, चलिए लिखने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो के नए चेयरमैन जो हैं वो भानु प्रताप शर्मा साहब हैं, इसके पहले विनोद राय साहब थे। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो के नए चेयरमैन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, सारी बैंक्स और अभी हाल ही में आपका एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बात रिलीज़ की है कि PNB में जितना भी घोटाला है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, कल या परसों की न्यूज़पेपर में था ये चीज़। खैर देखिएगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो के नए चेयरमैन भानु प्रताप शर्मा, इसके पहले विनोद राय थे। चलिए यूपी स्पेशल निकाल लीजिएगा, उससे संबंधित हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो वैसे तो मुझे लग रहा है कि अब तैयार होने लगा होगा और आप लोगों को इतनी ज़्यादा बार रिवीजन कराई जाती हैं वही चीज़ें, उम्मीद है कि रट चुकी होंगी, ठीक है। और यही बहुत बड़ा रीज़न है कि एग्ज़ामिनेशन में आप फेल नहीं होते हैं, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रिवीजन और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको क्या रिवीजन करना है और क्या नहीं करना है। एग्ज़ाम है आपके सामने तो आपको किस तरह से पढ़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए,
चलिए लिखिएगा यूपी स्पेशल में, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, ये आपका उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो स्थापित किया गया है वो कानपुर में स्थापित किया गया है। लिखिएगा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में स्थापित किया गया है, कानपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार की दृष्टि से, देखिए रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो आपका हथकरघा है, लिख लीजिएगा रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा है, हथकरघा है। नेक्स्ट पॉइंट है सुलह कुल उत्सव के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है सुलह कुल उत्सव, और आपका ये आगरा में आयोजित किया जाता है, मिर्ज़ा गालिब का जन्मस्थान है आगरा, तो फिलहाल सुलह कुल उत्सव और मिर्ज़ा गालिब साहब का कोई भी समानताएँ नहीं है। हाँ आगरा का नाम आया तो मिर्ज़ा गालिब साहब का नाम ले लिया गया, इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। खैर लिखिएगा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। आगरा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, देखिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यूरेनियम के जो सीमित भंडार है उसकी खोज की गई है, लिख लीजिएगा। और प्रदेश में अगर कोयला के बारे में बात की जाए तो कोयला जो है वो सोनभद्र ज़िले के निचले गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, सोनभद्र ज़िले के सिंगरौली क्षेत्र में कोयला का विशाल भंडार है, बलुआ पत्थर जो है वो आपका मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। खैर लिखना है हम लोग को, लिखिएगा उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है, यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा एक तरफ लिखिएगा नगर और एक तरफ लिखिएगा हवाई अड्डे, एक तरफ लिखिएगा नगर और एक तरफ लिखिएगा हवाई अड्डे। लखनऊ अमौसी हवाई अड्डा वाराणसी बाबतपुर, वाराणसी अभी जहां कल परसों में एक हादसा हुआ है आपका पुल गिरने से तो फिलहाल एग्ज़ाम में नहीं आएगा वो, वाराणसी बाबतपुर लेकिन बहुत दुखद था वो, कानपुर चकेरी आगरा खेरिया। नेक्स्ट पॉइंट है एक तरफ लिखिएगा मेला और एक तरफ लिखिएगा आयोजन स्थल। फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मेला होते हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण हैं ठीक है उनको हम लोग पढ़ेंगे, होते तो हर जगह बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अगर जीएस उठाओगे तो इतना ज़्यादा कुछ है पढ़ने को, लेकिन एग्जैक्टली आपको पढ़ना कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। 150 क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे, 150 टॉपिक आपको कैसे पता होने चाहिए जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जीएस का तो फिलहाल कोई लिमिट नहीं होता कहाँ से शुरू हुई और कहाँ से ख़त्म हुई, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम को फोकस करोगे तो आप कभी फेल नहीं हो पाओगे। एग्ज़ाम अप्रोच से निकाला जाता है, हार्डवर्क से नहीं। और उम्मीद है कि पिछले 2.5 सालों में आप लोग ये बहुत चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए एक तरफ लिखिएगा मेला और एक तरफ लिखिएगा आयोजन स्थान। बटेश्वर मेला आगरा देवा मेला बाराबंकी हरिदास जयंती वृंदावन नौचंदी मेला मेरठ। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो आपका लखीमपुर खीरी है। इसका क्षेत्रफल जो करीब है वो करीब 7,680 वर्ग किलोमीटर है। फिलहाल क्षेत्रफल का रेंज हम लोगों को नहीं लिखना है, इतना ही अगर हम लोगों को पता है कि सबसे बड़ा ज़िला जो है वो लखीमपुर खीरी है वो सफिशियंट है, हमारे एग्ज़ाम में उतना ही पूछा जाएगा। लिखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा शारदा नहर के बारे में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इसका निर्माण जो हुआ था 1920 से 1928 के बीच में हुआ था, इतिहास के बारे में इसके नहीं जानेंगे। लिखिएगा शारदा नहर
शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। चलिए 17th of May 2018 की क्लास के लिए इतना ही। मुलाकात होती है आप लोगों से कल। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो लेक्चर है यूट्यूब और फेसबुक पे अपलोड हो रहा है, तो अगर आप लोग चाहेंगे हमारी क्लासेस करना तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 7080540001, इस नंबर पर डेमो लिख के भेज दीजिए। आपको रेगुलर क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी और जो हमारी मंथली फ़ीस है वो 1200 रुपये है और बहुत ईजिली आप क्लासेस को कर सकते हैं। हमारा ऐप भी रिलीज़ हो चुका है, नेक्सस जीएस, आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा। वहाँ पर आपका डेली करंट अफेयर्स अपलोड होता है, ठीक है। और देखिए अंतर क्या होगा, डेली करंट अफेयर वहाँ पे तो अपलोड होगा ही फ्री में, ठीक है, वही चीज़ें होंगी, लेकिन क्लास में और आपका ऐप में या फिर आपका पढ़ने से डिफरेंसेस क्या होते हैं वो मेज़र समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लास में आपका जो तीन तरह की क्लासेस डेली चलती हैं, तीन पार्ट्स में चलती हैं। पहला जो क्लास होता है वो सब्जेक्ट वाइज चलता है, मतलब जैसे अभी पॉलिटी चल रहा है तो प्रीलिम्स और मेंस को फोकस किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो क्लास हमारी चलाई जाती है वो आपका नेक्सस जीएस स्पेशल कॉपी चलाई जाती है। उसका मतलब ये होता है कि उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पिछले लगातार एक सालों में जो टॉपिक्स सबसे ज़्यादा फोकस किए जा रहे हैं और जो पूछे जा सकते हैं उनका लगातार रिवीजन करना। जैसे पॉलिटी का सेक्शन चल रहा है तो पॉलिटी के क्वेश्चंस भी पढ़ाए जाएंगे, हिस्ट्री भी, साइंस भी, ज्योग्राफी भी, ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके कंप्लीट कराए जाएंगे, मतलब उसी में मिसलेनियस टॉपिक्स आपके उठाए जाएंगे और उसको पढ़ाया जाएगा। इसका प्रॉफिट आपको तब मिलता है जब आप एक, जैसे पॉलिटी का सेक्शन आपका कंप्लीट होने वाला है, 70% आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट होगी। तो सीन ये होता है कि आप पॉलिटी तो पढ़ चुके हैं, अब पॉलिटी पढ़ने के बाद जो सबसे बड़ा काम होता है आपका रिवीजन करना, ठीक है। तो उसी में पॉलिटी का रिवीजन भी चल रहा है, हिस्ट्री का भी चल रहा है, आपका हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन लगातार प्रॉपर नेक्सस जीएस स्पेशल कॉपी में चलता रहता है। तो ये पूरी तरह से आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम को फोकस करता है और जो पहला सेक्शन होता है वो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों को फोकस करता है। थर्ड सेक्शन आज अपलोड किया गया है नेक्सस की प्रोफाइल पे, तो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं किस तरह से पढ़ाया जाता है और होपफुली आप ज्वाइन करोगे तो आपके अच्छे भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। फ़िलहाल अब कोशिश की जाएगी कि कुछ क्लासेस जो हैं वो YouTube और Facebook पे अपलोड की जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि किस तरह से नेक्सस जीएस में क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, किस तरह से क्लासेस चलाई जाती हैं। और बैक टू बैक लगातार पिछले 2.5 सालों से बैक टू बैक हर परीक्षा में आयोग की रिज़ल्ट आते रहे हैं। आप हमारी प्रोफाइल जो है विज़िट कर सकते हैं, गूगल पर भी सर्च करेंगे तो नेक्सस जीएस आपको टॉप पे ही मिलेगी, प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो नेक्सस जीएस जो है वो भी आपको वहाँ पे भी टॉप मिलेगा। तो वहाँ पे एक लॉगिन का इशू आता है, ऐप पे जब जाएंगे आप तो लॉगिन भी मांगता है। लॉगिन का जो पासवर्ड है वो उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है जिन्होंने क्लास में रजिस्टर्ड कर रखा है, जो पेड स्टूडेंट हैं, ठीक है। बाकी जितने भी आप लोग हैं, जैसे अगर आप पेड नहीं करना चाहते हैं या फिर आपको सिर्फ करंट अफेयर चाहिए तो आप डेली जो हमारा ऐप है वहाँ से आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं और बहुत जल्द तेज़ी से वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग का फेज़ है, तो अभी तो सिर्फ एक दो दिन के अंदर आपको स्टार्टिंग की जाएगी उस चीज़ में, वहाँ पर लिखना स्टार्ट होगा। अभी फ़िलहाल पढ़ रहा है लेकिन जो डेली आपका स्टार्ट होगा वो 2-3 दिन के अंदर या फिर नेक्स्ट वीक में आपका स्टार्ट हो जाएगा कि डेली करंट अफेयर आपको मिलने लगेगा। और जो नेक्सस जीएस की स्पेशल खास बात ये है कि वहाँ पे सिर्फ उतनी ही चीज़ें आपको बताई जाएंगी जितनी उस दिन के लिए महत्वपूर्ण हो, जो परीक्षा में बन सकता हो। बाकी होने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ते रहेंगे, जीएस ख़त्म नहीं होगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा और जल्दी और भी लेक्चर्स आपके अपलोड होंगे। फिलहाल ये आज ही का लेक्चर था और थर्ड पार्ट था आज क्लास का। थैंक यू सो मच।